हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 5.3 5.2 तक हमारी हो चुके हैं आज हम पढ़ेंगे 5.3 5.3 में हमारे पास क्या है डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना आपको फंक्शन दे रखा है एक्स और वाई में और हमें क्या फाइंड करना है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कैसे देखो 2x एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है आपके पास फंक्शन है 2x एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x है क्योंकि dy वाई बाई डी है तो किसके रिस्पेक्ट में है फंक्शन x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब डेरिवेटिव कर दिया सबका अलग अलग हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स डेरीवेटिव ऑफ थ्री वाई और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू क्योंकि एक्स है एक्स हमारे पास क्या है एक्स की पावर वन है जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन पावर आगे आ गया जाएगी एक्स की पावर वन में से वन माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा एक्स की पावर जीरो और किसी की पावर अगर जीरो होती है तो वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल तो क्या आ जाता है एक्स का डेरीवेटिव वन वन और टू की मल्टीप्लाई कितना आया आपके पास टू plus थ्री एज इट इज आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या होता है डीवाई बाई डी क्योंकि y हमारे पास कोई अलग फंक्शन है जिसका हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y का क्या आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हमारे पास क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन एक्स का क्या आता है कॉस एक्स अब देखो डीवाई बाई डी निकालना है हमें क्या करेंगे कोसेक्स इधर है प्लस टू है इधर लेके आए माइनस टू ये इधर मल्टीप्लाई था इधर आ जाएगा डिवाइड तो डीवाई बाई डी क्या आ जाएगा कोसेक्स माइनस टू थ्री नेक्स्ट है डेरिवेटिव और थ्री वाई का और साइन वाई का सभी का अलग अलग कर देंगे क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ इज साइन वाई अलग अलग लिखो या पूरे का फंक्शन का लिखो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा टू प्लस थ्री एज इज और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस वाई अब यहाँ हमारे पास क्या था एक्स और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन होता है इसलिए हमने मैंशन नहीं किया बट या वाई है वाई का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स अब इस ट्रम को भी इधर लेके आएंगे ये हमारे पास प्लस थ्री इसको इधर लेके आएंगे माइनस में आएगी दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा क्या आएगा cos वाई माइनस थ्री और इज इक्वल टू में क्या बचेगा टू अब dy बाई डी एक्स निकालना है इसको इधर लेके आएंगे डिवाइड में टू बाई कॉस वाई माइनस थ्री नेक्स्ट है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्केयर और उधर क्या है कोस वाई ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ए एज इट इज कॉन्स्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव वन क्या आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी वाई स्केयर बी कॉन्स्टेंट वाई स्केयर का करेंगे टू आगे आ जाएगा और वाई पावर आगे ले आए और इसमें से एक पावर कम कर दी फिर वाई है वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स अब सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लेंगे इसको इधर लेके आएंगे प्लस में आएगा डी वाई बाई डी एक्स बाहर क्या आ जाएगा टू बी वाई ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया साइन वाई इज इक्वल टू ये प्लस इधर जाएगा माइनस ए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ये मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड में आ जाएगा टू माइनस ए डिवाइडेड बाई टू बी वाई प्लस ए साइन वाई नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर एक्स वाई प्लस वाई स्केर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स वाई ये भी हमारे पास वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल दो वेरिएबल अगर साथ आएंगे तो हम क्या अप्लाई करते हैं यू इन टू वी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्यर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए वाई अब इसमें यू इन टू लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा मल्टीप्लाई वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड को एज इट इज रखा वाई को फर्स्ट क्या एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन प्लस y वाई स्केयर है आगे पावर लेके आएंगे टू वाई और वाई का क्या बनता है फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है टेन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा सेक्स स्केयर एक्स प्लस y वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इधर हमारे पास क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस है. टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और इधर प्लस का था इधर आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपोजिट में क्या बचेगा एक्स स्क्र एक्स इधर प्लस वाई था इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए क्या बचेगा एक्स प्लस टू वाई माइनस है वन इज इक्वल टू सेक्स स्क्र एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा सेक्स स्क्र एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई माइनस है वन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू हंड्रेड डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्केयर का डेरिवेटिव करेंगे प्लस है इसमें यू इन टू लगाएंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए हंड्रेड एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा पावर आगे ले लेंगे टू एक्स प्लस इसमें यू इन टू लगाएंगे फर्स्ट इट इज रख लिया वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड को इट इज रख लिया और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई वन प्लस वाई स्केयर का डेरिवेटिव टू आगे आ जाएगा टू वाई और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हंड्रेड हमारे पास और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है जीरो डी वाई बाई डी एक्स अब इन दोनों टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू इधर लेके जाएंगे माइनस टू एक्स इसको लेके आएंगे माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई इधर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा एक्स प्लस है टू वाई ये हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्यर प्लस है वाई क्यूब इज इक्वल टू एट्टी वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स क्यूब का अलग से करेंगे एक्स स्केयर वाई वाई स्क्यर एक्स सभी का अलग से करेंगे डेरिवेटिव और डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी थ्री एक्स स्क्र प्लस एक्स स्केयर वाई यू इन टू वी एक्स स्केयर को एज इट इज लिया वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा टू एक्स और वाई एज इज रखा प्लस इसमें भी यू इन टू वी लगेगा वाई स्केयर का डेरिवेटिव कर दिया हमने वाई जाएगा क्या आ जाएगा टू वाई इन टू में एक्स एज इज है और वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ वाई स्केयर एज इज और एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वाई क्यूब का थ्री आगे आ जाएगा वाई स्केयर और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो अब इसमें से पूरे में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या है एक्स स्केयर बचेगा इसमें प्लस टू एक्स वाई और यहाँ से प्लस थ्री फाई स्केयर इज इक्वल टू जो ट्रम बची हुई है अपोजिट साइड लेके आए क्या आया माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई और माइनस से वाई स्क्यर डी वाई बाई डी एक्स इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्यर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस टू एक्स वाई प्लस से थ्री वाई ये हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन साइन स्केयर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है कि साइन स्केयर वाई प्लस कोस एक्स वाई अब कोस के एंगल में क्या है यू इंटू वी इज इक्वल टू के डिफरेंटेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइंस स्केयर वाई का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई और डेरिवेटिव ऑफ किंग साइंस स्केयर का पहले पावर का करेंगे हम पावर हमारे पास आगे आ गया जाएगी क्या बचेगी वन पावर कम कर देंगे टू में से वन जाएगा वन पावर बचेगी टू साइन वाई फिर साइन का करेंगे क्या आ जाएगा कॉस वाई फिर हमारे पास एंगल क्या है वाई वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस अब इसका करेंगे कॉस का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई और एक्स वाई का करेंगे जब एंगल का करेंगे तो क्या लगेगा यू इन टू वी एक्स एज इज हो जाएगा और वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एजट इज रख लेंगे और एक्स का वन इज इक्वल टू तो के हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा टू साइन वाई cos वाई किसका फॉर्मूला है साइन टू वाई का और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स माइनस x हमारे पास बाहर ले लेंगे x साइन एक्स वाई और dy वाई बाई डी फिर इसके y के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हम इस एक्स वाई की और y की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्यों क्योंकि ये y हमारे पास आ गया है ये इसका एंगल है और ये हमारे पास एक फंक्शन है इसलिए हमने अलग रखा y साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया क्या आ जाएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इसको माइनस इधर लेके आए प्लस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट साइंस केयर एक्स प्लस कॉस केयर वाई इज इक्वल टू वन डिफ्रेंशिएट करेंगे साइंस केयर एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस केयर वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव साइंस केयर सबसे पहले पावर का करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और फिर उसके एंगल का पहले पावर का किया क्या आ जाएगा टू आगे आ गया, गया और क्या बचेगा साइन एक्स फिर साइन एक्स का कर दिया तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस एक्स फिर एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस इसी तरह इसका करेंगे पहले टू आगे लेके आए पावर का किया कोस वाई कोस का क्या होता है माइनस साइन वाई और वाई का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा टू साइन एक्स कोस एक्स क्या है हमारे पास ये किसकी किसका फॉर्मूला है साइन टू एक्स का माइनस है प्लस माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा टू कोस वाई साइन वाई ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन टू वाई का और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो अब हमारे पास माइनस साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स ये प्लस था इधर आ जाएगा माइनस साइन टू एक्स माइनस से माइनस कैंसल डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा साइन टू एक्स इधर डिवाइड में आ जाएगा साइन टू वाई हम इसको साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इसका एंगल टू एक्स है और इसका एंगल टू वाई है एज इट इज छोड़ देंगे नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर नाइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स केयर अगर हम इनवर्स में एज इट इज़ डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत बड़ा होगा बेटा हमारे लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस इनवर्स को ख़त्म करना है कैसे करना है एक सिंपल फॉर्म बनानी है किसी न किसी तरह हमारे पास एक फॉर्मूला बनाना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स् है x की जगह हमने क्या पुट कर दिया टेन थीटा और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी जब टेन को इधर से इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर टेन

साइन टू थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है टू टेन थीटा बाई वन प्लस है टेन स्केयर थीटा तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया साइन टू थीटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा टू थीटा टू और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली थी हमने टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स है वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एज इट इज और टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स हमने पुट कर लिया x इज इक्वल टू टेन थीटा थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा टेन को जब उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा हो जाएगा और वन माइनस थ्री एक्स की जगह टेन पुट कर दिया टेन स्के अरे थीटा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का किसका फॉर्मूला हमारे पास ये टेन थ्री थीटा का तो इसको हमने क्या रख दिया टेन थ्री थीटा टेन से टेन इनवर्स कैंसिल क्या बचेगा थ्री थीटा थ्री थीटा वाई इज इक्वल टू तो थ्री थीटा वाई इज इक्वल टू तो थ्री और थीटा की वैल्यू क्या आई थी टेन इनवर्स वर्स एक्स अप्लाई कर दिया टेन इनवर्स वर्स एक्स फिर हम डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एज इट इज और टेन इनवर्स वर्स एक्स का क्या होता है वन बाई वन प्लस है एक्स स्केयर इसको हम क्या लिख देंगे थ्री बाई वन प्लस है एक्स स्केयर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्केयर अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर एक्स इज इक्वल टू हमने पुट किया टेन थीटम थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा चेंज कर देंगे टेन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्केयर थीटा वाई वन प्लस है टेन स्केयर थीटा वाई इज इक्वल टू अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का किसका होता है कॉस टू थीटा कोस इनवर्स कोस टू थीटा कोस से कोस इनवर्स कैंसिल वाई इज ईक्वल टू टू थीटा आएगा हमारे पास टू इज और थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स है एक्स अब वाई इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टू और टेन इनवर्स का वन बाई वन प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे टू वन जा टू बाई वन प्लस एक्स नेक्स्ट है हमारे पास है सिर्फ एक चेंज है इसके अंदर यहां कोस इनवर्स था यहाँ साइन इनवर्स है लेट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया वही टेन थीटा और थीटा क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह टेंथ स्केयर थीटा और वन प्लस है टेन स्केयर थीटा बट ये फॉर्मूला किसका है कोस टू थीटा का फॉर्मूला है तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स कोस है टू थीटा अब हमारे पास कोस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में ये तो हमारे पास क्या रखा है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू थीटा और कॉस को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब कौ है यहां पे साइन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई टू से कनेक्ट कर देंगे और अगर इसको बेटा प्लस करेंगे तो सेकंड में आएगा और सेकंड में कॉस है नेगेटिव होता है इसलिए में माइनस का साइन आएगा बट हमें किसका चाहिए प्लस का तो इसलिए हमने क्या कर दिया पाई बाई में से माइनस कर दिया तो क्या कर दिया कॉस टू थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन पाई बाई टू माइनस से टू थीटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा वाई इज

वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस माइनस वन से लेके और वन तक आपके पास क्या दे है इसकी लिमिट लेट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्केयर थीटा बट ये किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा कॉस इनवर्स से साइन टू थीटा फिर को हमें किस में कन्वर्ट करना है कॉस में तो क्या करेंगे पाई बाई टू से कनेक्ट कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस से टू थीटा कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस से टू थीटा आ जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इन एक्स थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इन एक्स क्या आ जाएगा पाइव बाई टू माइनस टू टेन इन एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू क्या होगा जीरो माइनस टू और टेन इन एक्स का वन बाई वन प्लस है एक्स क्या आ जाएगा माइनस टू बाई वन प्लस है एक्स स्क्र नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्केयर और हमारे पास लिमिट दे रखिए माइनस वन बाई रूट से वन बाई रूट टू हम पुट करेंगे क्या देखो हमें क्या निकालना है कि साइन इनवर्स लेके आना है ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें क्या पुट करेंगे अगर वन माइनस टेन स्केयर करें तो कोई फॉर्मूला नहीं क्योंकि वन प्लस है टेन स्केयर के लिए हमारे पास टेन पुट करते तो हम हमारे पास वन माइनस के लिए किसके पार? का फॉर्मूला है या तो साइन स्केयर एक्स हो या फिर कॉस्ट केयर एक्स हो ये दोनों अगर आ जाएंगे हमारे तो पास तो हमारे पास फॉर्मूले हैं तो इसके लिए हमने क्या पुट किया साइन पुट करो या फिर कॉस्ट पुट करो दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं हम पुट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू तो साइन थीटा थिएटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इन वर्स एक्स वाई इज इक्वल टू तो साइन टू एक्स की जगह साइन थीटा इन टू वन माइनस साइंस स्केयर थीटा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा वन माइनस साइंस स्केयर किसके इक्वल होता है कॉस स्केयर थीटा के कॉस स्केयर थीटा और स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का साइन इनवर्स साइन टू थीटा साइन से साइन इनवर्स कैंसिल क्या आया? टू थीटा वाई इज इक्वल टू टू और थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है

टू एक्स स्केयर माइनस वन अब यहाँ पे हमारे पास क्या टू एक्स स्केयर माइनस वन अगर हम यहाँ पे कॉस पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कॉस टू थीटा के लिए कैसे एक्स इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपोजिट साइड लेके आए क्या बनेगा कॉस इनवर्स है एक्स वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाई टू एक्स की जगह पुट कर देंगे कॉस थीटा कॉस स्केयर थीटा माइनस वन सेक इनवर्स और ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास से कॉस टू थीटा का वन बाई कोस है टू थीटा आ जाएगा वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स और वन बाई कॉस किसके इक्वल होता है सेक में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक टू थीटा सेक से सेक इनवर्स है कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा आपके पास टू थीटा वाई इज इक्वल टू टू और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी कॉस इनवर्स है एक्स y इज इक्वल टू टू कॉस इनवर्स x आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे y का क्या आएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एज इट इज और कॉस इनवर्स का क्या होता है माइनस वन बाई वन माइनस एक्स स्केयर साइन इनवर्स x का हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ ए साइन इनवर्स एक्स वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्केयर और अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन बाई वन माइनस है एक्स स्क्र सिर्फ ये चेंज आता है साइन और कॉस के अंदर ठीक है ये थी हमारी एक्सरसाइज फाइव ओके थैंक यू